हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं ऑफिस आई हूँ, फ्राइडे है। मेरे को फ्राइडे को ऑफिस आना अच्छा लगता है, बिकॉज फ्राइडे को ना बाकी पूरी की पूरी टीम जो है वो घर से काम कर रही होती है, तो ऑफिस में कोई नहीं होता, एक दो लोग होते हैं। तो इस हफ्ते ना मैंने अपने इस ऑफिस में, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक साल पूरा कर लिया। तो मैं आज ऑफिस आई और आते ही मुझे मेरे डेस्क पे एक सरप्राइज मिला जो मेरी मैनेजर ने रखा था मेरे लिए। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने तो देख ही लिया होगा, मैंने इमिडिएटली पोस्ट डाल दी थी। आपको दिखाती हूँ। सी, दो चॉकलेट के पैकेट्स और एक कार्ड और साथ में एक कार्ड में इतना बड़ा हैंड रिटन नोट। पता है बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैनेजर्स आपको ऐसे अप्रिशिएट करते हैं और आपकी एनिवर्सरी याद रखते हैं और एक छोटा सा एफर्ट करते हैं आपका दिन बड़ा अच्छा बनाने के लिए। और जब कोई हाथ से इतना बड़ा नोट लिखे, या वो चिट्ठियों वाले ज़माने ना ख़त्म हो गए हैं, कोई लिखता ही नहीं है इतना बड़ा हैंड रिटन नोट। जब कोई मेरे लिए कुछ लिखता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि यार कॉमेंट्स क्या करो, मुझे कॉमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको नोट पढ़ के सुनाती हूँ। डियर शिल्पा, हैप्पी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। Since joining, you have made a tremendous difference at the hospital we work in through your work, dedication and all that you do. Aside from your work, I really enjoy our time and bonding together. It's great to have you on a team and it's signed by the manager. And card says, not everyone can do what you do, but anyone can see that what you do makes a wonderful difference. See, that's what I'll say. कि ना बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं किसी का दिन सुपर्ब बनाने में, और जब आप किसी को स्माइल देते हो ना तो आपका दिन भी ऑलरेडी बड़ा स्माइली स्माइली हो जाता है। मेरे ख्याल से किसी का दिन खराब करने में ना ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और जब आप किसी को नेगेटिव बोलते हो या फिर नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की देते हो ना, सामने वाले को तो इतनी मिलती होगी या नहीं मिलती होगी मुझे नहीं पता, बट वो नेगेटिव एनर्जी ना आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। तो चलो नेगेटिव बातें नहीं करते, जस्ट अ सिंपल मैसेज। ट्राई टू मेक समवन हैप्पी टुडे, ट्राई टू ब्रिंग स्माइल ऑन समवन फेस टुडे। तो मेरे फेस पर आज स्माइल आ गई है, तो मैं ट्राई करूंगी कि आज मैं जितने भी कैंडिडेट्स को कॉल करूं, इंटरव्यू लूं या कुछ करूं, तो कोशिश करूं कि किसी न किसी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देकर उनका भी दिन बना दूं। क्या कहते हो, सही आइडिया है ना? तो आप भी यही करो। तो आप काम शुरू करते हैं ऑफिस का, और फिर शाम को हमें किसी के घर पे भी जाना है, और आज वीकेंड है तो सैटरडे संडे की प्लानिंग भी करनी है, क्या करना है अदर देन पैकिंग जो चल ही रही है। हे गाइस, फ्राइडे नाइट है, रात के 11 बज रहे हैं, दिखाऊं प्रूफ, 11:01:39 गुम हो गया ठीक है। और हम लोग अब पहुंचे हैं यहाँ पे बोल्टन डाउनटाउन में, रात को 11 बजे, और हम ना एक स्मॉल टाउन में रहते हैं जहाँ पे ना रात को 10 बजे सारे लोग लाइट्स बंद करके सो जाते हैं, मगर आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज बोल्टन में समर मिडनाइट फेयर है। या तो यहाँ डाउनटाउन में शाम को 7 बजे ना हम यहाँ से जा रहे थे कहीं पे, तो हमने देखा कि यार इतनी जबरदस्त भीड़ है और पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे लाइन में खड़ी हुई हैं, तो हमें याद आया कि यार आज तो मिडनाइट फेयर है। मिडनाइट फेयर का मतलब है कि मिडनाइट तक चलने वाला फेयर है, मतलब मिडनाइट में शुरू होने वाला फेयर नहीं है। तो बहुत रौनक है, बहुत भीड़ है, लोकल स्टॉल्स लगी हुई हैं, म्यूजिक चल रहा है, टीनेजर बच्चों का क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन हम लोग भी यहाँ पहली बार आए हैं देखने के लिए। और ना फेमस है यहाँ पे, हर साल लगता है समर में बोल्टन मिडनाइट फेयर। तो अब हमारी आखिरी समर में बोल्टन में, पिछले साल लगा नहीं था कोविड की वजह से, लेकिन फॉल फेयर लगा था। यहाँ पे हर सीजन का एक फेयर लगता है, फॉल फेयर की तो वीडियो भी बना रखी है मैंने, नहीं देखी तो आप देखो मेरे चैनल पर है बोल्टन फॉल फेयर। तो समर मिडनाइट फेयर अब देखने चलते हैं, पता नहीं वहाँ पे ज़्यादा बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज ऑफ द क्राउड एंड द म्यूजिक एंड द नॉइस। तो आपको यहीं पर पूरा अपडेट करके जा रही हूँ, बाकी जैसे हम अपनी आंखों से फेयर देखेंगे आप हमारे साथ घूमते घूमते फेयर देखना। जल्दी आ जाओ, 1 घंटा रह गया है। ठंड हो गई है यार, है ना? ठंड लग रही है, वो देखो तो अभी देखो ठंड नहीं लग रही। अब गया वो। आजकल पता है क्या हो रहा है, किसी भी स्टोर पे जाओ ना, हर जगह पे ना विंटर के कपड़े आए हुए हैं। मतलब ऐसे दिल बैठा जाता है कि यार इनको क्या लगता है अभी से विंटर आ गया, अभी हमारी 1 महीने की समर और पड़ी है, 2 महीने तो हुए हैं समर को आए हुए को, लेकिन अब हम रात को 11 बजे सड़क पे चल रहे हैं ना, तो एक्चुअली में ठंड लग रही है और लग रहा है कि विंटर आ गई है भाई। मतलब विंटर नहीं बोलूंगी मैं, नहीं मतलब फॉल आने वाला है। जो वर्ड्स होते हैं ना उनमें बहुत पावर होती है, सोच समझ के चूज करना चाहिए। नहीं, विंटर नहीं आई है अभी।
used to be in the stakeyard when I was born, and this stakeyard's name is Rainbow Academy. मेरे को लग रहा है एमी को कोई अच्छा सा लाइट वाला टॉय तो मिलेगा ही मिलेगा. तो एमी को अभी हमें फेयर से एक लाइट वाला टॉय लेकर देंगे. तो जब हम न्यू हाउस में शिफ्ट होंगे फिर एमी के कितने टॉयज रह जाएंगे. हमेशा की तरह इस बार ही हमारा पपलू हो गया. मिडनाइट मैडनेस नाम है फेयर का, लेकिन था रात को 11 बजे तक ही, कोई मिडनाइट तक नहीं था. मिडनाइट तक गायब हो जाएंगे ये लोग. तो अब खत्म तो हो गया, बट आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं था क्या यहाँ पे. जो 12 का तुम्हें डाउट हो रहा था ना, वो 12 डेट थी. तो ये ज्वेलरी शॉप थी, अब तो मेरे ख्याल से ये पैक ही कर रहे हैं. तो मेनली हाँ इस फेयर में ना लोग अपने लोकल बिजनेसेस ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. तो जो अपना हैंडमेड कुछ जैसे ये है कार्ड, ये हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं. तो कुछ लोग यहाँ पे पाए बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, पेस्ट्री वगैरह का कुछ लेकर आए हैं. तो जो भी आपके लोकल लोग हैं अपना लोकल बिजनेस प्रमोट करने के लिए इस तरह के फेयर में, दैट कुड बी अ गुड एक्सपोजर फॉर देम. इसको फेयर की जगह मेला कहें तो भी कोई बुरी बात नहीं. तो बोल्टन मेला बोल दो, बोल्टन अर्धरात्रि पागलपंती मेला. यहाँ आए हम. और ये बेबी शूज है $20 के. लेदर जैकेट 200 के आसपास की है ये सारी ना, $200 की. यार लोकल बिजनेसेस का ना एक यही होता है ड्रॉबैक, क्योंकि वो बड़ी कम क्वांटिटी में बनाते हैं ना और एक एक पीस बनाते हैं तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं. तो अब यहाँ पर अगर आप ऐसे प्लाजो या स्कर्ट्स देखो तो आपको लगेगा यार $30 की है, फॉरएवर 21 से ले लेंगे 25 की मिल जाएगी. बट ये बट स्टाइल अलग होता है, ये देखा अच्छी लग रही है. अभी देखना ये देखो है ना, ये है पैंट मगर ये स्कर्ट टाइप की भी लग रही है ना. हमें ये देखो जैसे गुड्डू जी ने अपनी टॉप के साथ एक पहनी हुई थी, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है ना. यार काश टाइम पर आए होते, हम 12 बजे के चक्कर में रह गए. ये हमें टी शर्ट है अलग अलग फंकी वर्डिंग्स वाली. ये अच्छा लग रहा है. बट आपके पास कॉइन्स है, कैश है? मेरे को नहीं लगता मैं कार्ड चलेंगे. कैश नहीं है आपके पास? है पर 100 है. देखो गेमिंग. या देखो बट हमारे पास कैश नहीं है और ये $3 का है. $100 का नोट देकर तो आपको $3 का कीरिंग नहीं देने वाला. इज दैट ओके विद यू? किस किस को पता है कि हम इंडिया में इसको जब छोटे होते थे बचपन में बुढ़ी के बाल बोलते थे कॉटन कैंडी को. हाथ खड़े करो. अब वो कीरिंग लेना है कोई? अब हम अमीर हैं, हमारे पास मनी है, तो अब हम बाय कर सकते हैं चीजें. उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे क्राउड लग रहा है अभी भी. ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी अभी चल रही है. अच्छा तो यहाँ पर सारे ना फूड ट्रक्स हैं, इसलिए इनकी पार्टी अभी तक चल रही है. हमारे इंडिया के भटूरों पर वो लगाए थे न्यूटीला और ये हो गया बीवर टेल.
ओडवा की फेमस डिश बीवर टेल भटूरे पर न्यूटीला और वो यहाँ मिल रहे हैं। बताया था ना कि पिछले साल बोल्टन ने अपने 200 साल पूरे किए थे एंड दिस ईयर बोल्टन इज 201 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने बोल्टन के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक भी बना रखा है जिसको आप खा बिल्कुल भी नहीं सकते हो। सो दिस इज किड फेवरेट कैंडी शॉप। तो अभी एक पुलिस ऑफिसर आए और वो एक टीनेजर ग्रुप खड़ा था, उनको बोलते हैं गाइस इट्स टाइम टू गो होम। वो सारे टीनेजर फिर आने लगे हुए हैं, हमें नहीं बोला पुलिस ने इट्स टाइम टू गो होम, बोल दिया हमें भी टाइम टू लीव द पार्किंग लॉट। गाइस क्योंकि हम बहुत लेट आए और बहुत सारी चीज़ें देख भी नहीं पाए अच्छे से, खरीदा तो बहुत दूर की बात है, तो मोस्टली लोगों ने हमारे को अपने बिजनेस कार्ड्स दे दिए कि चलो आप वेबसाइट पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो और वहाँ पे आप हमारी इन्वेंट्री देख सकते हो और अगर कुछ पसंद आए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। है तो सारे लोकल बिजनेस ही, तो सभी के इंस्टाग्राम पेज हैं, सभी के फेसबुक पेज हैं, तो नाइस वे टू प्रमोट देयर लोकल बिजनेस। बस ये दुख रहेगा कि अच्छा था ये, एक बार हम क्रिसमस मार्केट आए थे यही बोल्टन में ही, विंटर्स में क्रिसमस मार्केट लगती है तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि यार मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो कोई नहीं, अगली बार बिटवी से आ जाएंगे स्पेशल बोल्टन में समर मार्केट देखने के लिए, मिडनाइट मैडनेस देखने के लिए, मैड तो हम वैसे ही है। I do. Yes, I do. So you're gonna vote for me? Yeah. Guys, India और Canada की politics में और mainly India और Canada में ये difference है कि जब India में कोई election में खड़ा होता है ना तो वो हमें दूर से wave करते हैं और हम उनको दूर से celebrity की तरह देखते हैं। Can you believe this lady standing beside me? She is running for mayor's election in Bolton. And what she is doing here? This is the difference. Like they are so down to earth. So we'll speak to her for a minute and she will introduce herself. Okay, thank you everyone. My name is Annette Groves. I am currently the regional counselor here in Bolton and glad to be here and helping to organize this event. And I am running for mayor for the town of Caledon. I've served the community for 22 years. Wow. And so now I'm ready to step up and take the next step and run for mayor and lead this town to a brighter future. So we are here cleaning up the street because we've got to get the road open. She's actually doing it. We caught her. She did not come to us and be like, hey, you are running for mayor. Can we just click a photo with you? Can we just click a photo with you? Yes, of course, of course. मुंह तो देखो इसका, मुंह दिखाइए अपना। एमा दुबई में ही आपकी एक ऐसी फोटो है जिसमें आप एक बार कैंडी खा रहे थे एक मॉल में, पूरा मुंह आपका ऐसे था। यू रिमेंबर? या, इट वाज अ पिक्चर ऑफ मी हैड अ रेनबो लॉलीपॉप।